हाय फ्रेंड्स, ये आज एक कैनॉन का मशीन है 2870। ठीक है, तो इसमें एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होता है, मैं एक प्रॉब्लम फेस किया हूँ, तो इसलिए मैं सोचा कि आप लोग के साथ भी शेयर कर लूँ। तो एक्चुअली प्रॉब्लम इसमें क्या होता है, अगर आप मशीन में कंप्यूटर से प्रिंट दे रहे हैं, ठीक है, तो कॉपी पूरा बरोबर ओके आ रहा है। ठीक है, देखिए, ये अगर आप रिपोर्ट निकालते हैं या फिर कंप्यूटर से प्रिंट देते हैं तो पूरा कॉपी आपका पूरा साफ आ रहा है। ठीक है, अगर आप इसी कॉपी को जेरॉक्स करते हैं, मतलब यहाँ ग्लास में डाल के जेरॉक्स करते हैं, तो यहाँ अगर ग्लास, ये जो ग्लास हैगा, इस पे अगर डाल के जेरॉक्स करते हैं तो इसी तरीके का कॉपी आता है। ठीक है, तो देखिए, ये एक्चुअली आपका रिपोर्ट अगर निकालते हैं कंप्यूटर से तो इस तरीके का प्रिंट आता है। अगर आप उसी को आप जेरॉक्स करते हैं, आप ग्लास में डाल के, प्लेटन में डाल के अगर जेरॉक्स करते हैं या फिर आप एडीएफ से भी चलाते हैं, तो ये इस तरीके का ब्लैक कॉपी आ रहा है। ठीक है, तो आप कंप्यूटर से दे रहे हैं सही आ रहा है, तो स्कैनिंग करने से ब्लैक कॉपी आ रहा है। तो इसका एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, मैंने अभी अभी इसको ठीक किया है, तो इसका एक्चुअली प्रॉब्लम ये होता है। तो ये जो आप केबल देख रहे हैं, जो इसमें आपको स्कैनर बोर्ड से आईपी बोर्ड तक का जो केबल लगा होता है, तो ये ज़्यादातर ये केबल खराब हो जाने से ये प्रॉब्लम आता है। तो देखिए, ये केबल कैसे खराब हो गया है, देखिए, ठीक है, देखिए ये केबल कैसे खराब हो गया है, तो दोनों साइड का केबल खराब होता है। तो अक्सर 732 एरर भी इसी केबल से आता है, लेकिन ये खराब हो गया, तो मैंने अभी नई केबल चेंज कर दिया। ठीक है, ओके, मैं इसमें अभी नया केबल चेंज कर दिया, तो ये देख सकते हैं नया केबल कितना साफ चकचक हो रहा है, देखिए, ठीक है, इस जगह में आप देख सकते हैं। तो नया केबल मैंने चेंज कर दिया, तो केबल चेंज करने का तरीका जो है मैंने बताया हुआ है आपका, 732 एरर जो आता है, तो उस पर, तो उससे भी फिर भी और एक बार बता दे रहा हूँ। तो इसको खोलने का तरीका ये है, तो यहाँ पे जो लॉक दिया होता है ना, ये देखिए, दो साइड में दो लॉक है, ठीक है, तो हल्का सा इसको अपने तरफ का खींचेंगे, ठीक है, हल्का सा, ये देखिए, देखिए थोड़ा सा बाहर आ गया इस साइड का, फिर आप इस साइड का भी करेंगे। ज्यादा जोर से इसको ताकत ना लगाएं, क्योंकि ये आपका ये भी हो सकता है, टूट भी सकता है, तो एडीएफ थोड़ा मैं उठा दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो थोड़ा थोड़ा ये उठ गया ऊपर तक का। ठीक है, तो आप इसको फिर इसका केबल देखिए, इसको थोड़ा सा ऊपर कर बाहर निकाल लेंगे, फिर इसको आप लगाने का जब होता है तो इसको फिर यहाँ थोड़ा सा अंदर धक्का देके, ठीक है, तो दो साइड का हल्के से केबल का जो लॉक होता है उसको पुश कर दें। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ आईपी में जो आता है, इसका जो केबल आता है यहाँ पे जो लॉक ला, देखिए, तो इसको हल्का सा ऊपर की तरफ करेंगे। ठीक है, जब हल्का सा ऊपर की तरफ करेंगे तो ये केबल बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो फिर इस केबल को आप लगाने का जब होता है, तो आप देखिए यहाँ पे इसको इसके होल पे डालना है साइज से। ठीक है, तो डालने के बाद में फिर इसको नीचे की तरफ कर देना है। तो ये आपका 732 एरर भी इस केबल की वजह से आएगा, और तो बोर्ड बोर्ड का जो कंप्लेन है मैंने बताया हुआ है। तो उसके बाद में अगर इस तरीके का अगर प्रॉब्लम आता है, तो जो आपको मैंने बताया ब्लैक कॉपी, सिर्फ स्कैनिंग से जो ब्लैक कॉपी आता है, तो उस तरीके का अगर कंप्लेन आपको आता है, तो आप ये सिर्फ केबल चेंज करके आप अपने आप सॉल्व कर सकते हैं, आपको कोई मैकेनिक की बुलाने की ज़रूरत नहीं है। तो थोड़ा आप अगर थोड़ा केयरली करेंगे तो आप कर सकते हैं, अगर आपको थोड़ा डाउट हो रहा है कि आप नहीं कर पाएंगे तो आपसे खराब हो सकता है, तो आप ना करें, क्योंकि अगर ये केबल का जो लॉक होता है, अगर ये टूट गया तो इससे आपका फिर नुकसान ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि केबल का अगर लॉक टूट गया तो आपको फिर से पूरा न्यू बोर्ड आपको परचेस करके लगाना होता है, जो कि आईपी बोर्ड मार्केट में 3,000 साढ़े 3,000 और स्कैनर बोर्ड जो कि आपको वही 3,500 4,000 तक का पड़ जाता है। तो ये है, मैंने बताया आपको, जैसे कि ये आपका रिपोर्ट जब निकलता है मशीन से या फिर कंप्यूटर से, जब हम लोग प्रिंट देते हैं, पूरा शार्प माने मस्त कॉपी आ रहा है, देखिए, ठीक है, अगर जब उसको जेरॉक्स करते हैं तो इस तरीके का कॉपी आ रहा है। तो ये आपका कंप्लेन था, मैंने इसको सॉल्व कर दिया है, तो अगर आप चाहें तो आप भी सॉल्व कर सकते हैं इसको। क्या, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर नहीं, आपका अगर कुछ कंप्लेन है कि मशीन का कुछ प्रॉब्लम आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो हमारा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ था, तो उसमें आप हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं आपका प्रॉब्लम। आप सिर्फ अपना प्रॉब्लम जो होता है आप व्हाट्सअप कर दें, तो मैं जब फ्री होऊंगा तो उसको देख के आपको उसके उसका सोल्यूशन जो होगा
मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा उसी व्हाट्सएप के थ्रू से, ठीक है। बस इतना ही आज के लिए, थैंक यू।